हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं ये दोस्तों है ये बजाज का इमर्सन रॉड यानी कि वाटर हीटर। और इसमें थोड़ा सा डैमेज हो गया था ये तार, इसलिए हमने इसे खोला है। तो ये अंदर कवर को खोलने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। ये देखिए, ये लगातार यूज़ होने पर इसके जो अंदर के तार है उसमें कार्बन जम जम के धीरे धीरे ये वो ब्रेक हो जाते हैं, तो उससे कनेक्शन जो है वो कट ऑफ हो जाता है। इसमें टोटल तीन तार होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और एक अर्थ वायर होता है दोस्तों, जो कि मिडिल में लगे रहता है। कुछ इस तरह से इसमें पीछे अर्थिंग का ये रॉड भी रहता है, जो कि बाल्टी में जब आप रखते हैं तब अटकने के लिए भी काम आता है, ताकि उसका जो रॉड का जो डीप है वाटर में कितना मिनिमम से मैक्सिमम ये लेवल तक रहता है वो। और ये 1.5 किलोवाट का है दोस्तों, तो काफ़ी लोड पड़ता है, तो उस वजह से कभी कभी तार भी डैमेज हो जाते हैं। तो उसे हमें कुछ करना नहीं दोस्तों, वायर को आगे बढ़ाकर उसे फिर से कनेक्ट करना होता है। ये देखिए, हमने कुछ इस तरह से रखा था इसे। तो ये देखिए दोस्तों, ये कवर के खोलने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है अर्थिंग तार। तो उसमें दोस्तों ये जो छोटा सा रॉड जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे थ्रेड रहता है, लेकिन ये बहुत समय यूज़ होने के बाद सड़ चुका होता है। तो उसे हमें दोस्तों थोड़ा सा ढीला करना है, उसके बाद फिर हम तार को बीच में फिर से लगा देंगे छीलकर। और अगर तार ख़राब नहीं हुआ है तो उसे कार्बन को अच्छे से ब्लेड से साफ़ करके उसे फिर से लगा सकते हैं। और फिर जो कि तो आपको जो अर्थिंग की तार है उसे लगा देना है। ध्यान रहे दोस्तों कि कोई भी तार एक दूसरे से टच ना हो। और ये जो छोटा सा देख रहे हैं आप, ये हॉट रॉड को उसके बॉडी से कनेक्ट करके रखे रहे, उसके लिए इसे टाइट किया जाता है और बीच में अर्थिंग की तार भी जुड़ी होती है। तो इसे हम दोस्तों वापस लगा भी देंगे अर्थिंग के तार के साथ कुछ इस तरह से, और इसे अच्छे से टाइट कर दे दोस्तों। ये जब लूज़ होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है शॉक की। तो इसका जो अर्थ वायर है वो भी अच्छे से डैमेज नहीं होना चाहिए, अच्छे से फिट होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इस तरह से उसमें स्लीव्स भी लगे होते हैं, तो उसे वापस जो कि तो लगा दे। तो इस तरह से हमारा दोस्तों वायरिंग कंप्लीट हुआ। इसमें कोई नहीं है दोस्तों, सिर्फ दो पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और इसे आप चाहे जो ऊपर में जो परत जम चुकी है उसे आप थोड़ा थोड़ा ठोकने से ये सफाई हो जाती है, तो उसे कर सकते हैं। इससे रॉड पर कोई भी फ़र्क नहीं होगा और रॉड आपका हीटिंग जो करता है वैसे ही करेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ। थैंक यू।